मैं लास्ट 8 ईयर से एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी जॉब के अंदर। मुझे एक दोस्त ने रेफर किया कि इनेबलर्स की एक सक्सेस स्टोरी थी, मुझे वो उसने भेजी और उसने कहा कि देखें ये इस तरह लोग काम कर रहे हैं। फिर मैंने वो वीडियो देखी और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उस वीडियो से। अक्टूबर में एक सेशन स्टार्ट हो रहा था, इनका बैच स्टार्ट हो रहा था वर्चुअल असिस्टेंट का। मैंने उसी में फ़ौरन ही अपने आप को इनरोल कराया विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। असल में प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत बेसिक है और बहुत ज़रूरी भी है। गलत डिसीजन के साथ अगर आपने वो प्रोडक्ट करी तो फिर आप उसके ऊपर जितनी भी मेहनत कर लें वो प्रोडक्ट नहीं चलेगी आपकी। इनेबलर्स का एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव था, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फर्स्ट मंथ से अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। मैंने अपनी फर्स्ट 3 मंथ्स में फ्री इंटर्नशिप दी थी लोगों को और मैं डबल जॉब कर रहा था, मैं जॉब के साथ मैंने इंटर्नशिप करी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, ई कॉमर्स के एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हाजिर खिदमत हूं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक रिस्क लिया। वो रिस्क ये था कि ये एक अच्छी जॉब कर रहे थे, लेकिन उस जॉब से ये ई कॉमर्स की तरफ आए। ई कॉमर्स की तरफ क्यों आए? आम तौर पे एक शख्स जो अच्छी जॉब कर रहा हो और 50-55 हज़ार कमा रहा हो, उसके लिए उस जॉब को छोड़ना और अगर उसकी फैमिली भी हो तो फिर उस जॉब को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इन्होंने ये रिस्क लिया, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फेस किया और आगे ग्रो किया। हम इनसे जानेंगे कि ई कॉमर्स में कब और कैसे आए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मेहदी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये रिस्क जो लिया, जॉब को छोड़ा और ई कॉमर्स में आके अर्निंग स्टार्ट की, इस रिस्क लेने के पीछे क्या विजन था, क्या वो ऐसी चीज थी, क्या मोटिवेशन थी कि आपने ये रिस्क ले लिया? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कासिम अली शाह फाउंडेशन का और इनेबलर्स का, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम आज अपनी स्टोरी को लोगों को बता सकें और शेयर कर सकें। अच्छा, सवाल आपका था कि किस तरह हम आगे बढ़े। एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी जॉब के अंदर, मुझे जो जॉब हम कर रहे थे, मैं लास्ट 8 ईयर से एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी जॉब के अंदर। और वो सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए मैं जस्तजू कर रहा था कि मैं इधर देख रहा था चीज़ें और अवेल कर सकूँगा और अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकूँ जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिले जॉब के साथ। तो फिर एक मुझे एक दोस्त ने रेफ़र किया कि इनेबलर्स की एक सक्सेस स्टोरी थी, मुझे वो उसने भेजी और उसने कहा कि देखें ये इस तरह लोग काम कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट लोग काम कर रहे हैं तो बगैर इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर मैंने वो वीडियो देखी और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ उस वीडियो से कि एक लेडी की वो स्टोरी थी जो कि बहुत अच्छी थी और मैं उससे बड़ा इंस्पायर हुआ। इनेबलर्स के सेमिनार था सेप्टेम्बर में लास्ट, मैंने उसमें इनरोल किया अपने आप को और फ़ौरन ही उसमें गया। फिर वहाँ सर साकिब अज़हर ने वहाँ ब्रीफली गाइड किया चीज़ों को, किस तरह हम आगे कैरी कर सकते हैं चीज़ें, आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप किस तरह आगे बढ़ सकते हो, हम विदाउट इन्वेस्टमेंट आप किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो बड़ा एक इंस्पायरिंग लगा और वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगी कि ये बहुत अच्छी एक वास्ट फील्ड है, आपके पास अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर। उसके फ़ौरन बाद ही फिर अक्टूबर में एक सेशन स्टार्ट हो रहा था, इनका बैच स्टार्ट हो रहा था वर्चुअल असिस्टेंट का। मैंने उसी में फ़ौरन ही अपने आप को इनरोल कराया विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम और उसमें इनरोल हुआ। वहाँ हमने वहाँ से लर्निंग स्टार्ट हुई हमारी और फिर एक जर्नी स्टार्ट हुआ। सर, मुझे ये बताइएगा कि ई कॉमर्स में आम तौर पे जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं तो उनको प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग ये चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं, क्या आपको भी ये चीज़ें मुश्किल लगें? असल में प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत बेसिक है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इस प्रोडक्ट हंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होना एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इन्वेस्टर हो या वर्चुअल असिस्टेंट हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेस बनाती है आपकी प्रोडक्ट की। अगर आपने गलत डिसीजन के साथ अगर आपने वो प्रोडक्ट करी तो फिर आप उसके ऊपर जितनी भी मेहनत कर लें वो प्रोडक्ट नहीं चलेगी आपकी, क्योंकि वो एक बेसिक है जिसको वर्चुअल असिस्टेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। और इनेबलर्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस कराया जाता है कि प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर बार बार मुख्तलिफ क्लासेस भी होती हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दिए जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर खाली, क्योंकि वो बेसिक है वर्चुअल असिस्टेंट के लिए, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। सर, कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रोडक्ट आपको लगी हो कि ये बहुत बेहतरीन है आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक, आपकी लर्निंग के मुताबिक, लेकिन जब आपने उसको इनेबलर के क्राइटेरिया पर देखा हो तो वो उस पर पूरी ना उतर रही हो? बिल्कुल ऐसा होता है कि जब आपकी हर चीज़ मैच नहीं कर रही होती है, अक्सर बहुत प्रोडक्ट ऐसी आई हैं जो हमें लगता था कि हम अगर इसमें एक दो क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहे तो भी हम इसको ट्राई करते थे, अपने मेंटोर को दिखाते थे, वो वहाँ से अप्रूवल लेते थे चीज़ों का, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन आता था क्योंकि वहाँ उनको समझ आता था कि वो चीज़ें कहाँ पर लैक करेंगी चीज़ें,
तो वो स्टार्ट में हमें नहीं समझ आता चीज़ों की, जब ऐसा एक्सपीरियंस बंदा करता है इन चीज़ों को तो उसको समझता है चीज़ों को कि वो किस तरह उसने प्रोडक्ट हंटिंग का देखना है चीज़ों को, उसके कॉन्सेप्ट्स इसी तरह क्लियर होते हैं। जब डायरेक्शंस आती हैं तो उसको समझ आता है कि मुझे इन चीज़ों का आइंदा और ख्याल रखना है। सर मुझे ये बताएं कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं वो अक्सर सवाल ये पूछते हैं कि हम कैसे आगाज़ करें, हम स्टार्ट कैसे करें, हमें ई कॉमर्स के बारे में कुछ बताएं, इसमें अर्निंग होती कैसे है, तो इन सारी बातों पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर, कि डेडिकेशन आपके पास होनी चाहिए और आप फुली मोटिवेट होकर आए इसमें आए। और डेडिकेशन के साथ आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो EVS प्रोग्राम है पूरा, और EVS के जरिए आप अपने आप को स्किल्स की वीडियोस देख सकते हैं डिफरेंट, उसमें काफ़ी सारे 100+ कोर्सेज हैं उसके अंदर, तो आप वहाँ पर वो कोर्सेज देखें, वो कोर्सेज उसमें बहुत डिफरेंट है। अगर आप सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्सेज देख रहे हैं तो आप उनकी वीडियोस से स्टार्ट करें ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए कि वर्चुअल असिस्टेंट का क्या काम है और वो क्यों इस तरह लोग किस तरह उसमें काम कर रहे हैं, तो वहाँ से अपना एक करियर स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आपको वर्चुअल असिस्टेंट समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप बाकी चीज़ों को भी एक्सप्लोर वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, कोर्सेज अवेलेबल हैं उस EVS के अंदर, जहाँ से आप अपनी बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि अगर आपका कोई दोस्त आपसे पूछे कि मैं ई कॉमर्स में आके काम करना चाहता हूँ, तो EVS की वीडियोस के अलावा आप उसे क्या रिकमेंड करेंगे कि वो कहाँ से आगाज़ कहाँ से करें? YouTube एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर YouTube पे बहुत सारी फ्री वीडियोस भी अवेलेबल हैं, कि अगर आप EVS के लिए अप्लाई करने से पहले आप YouTube को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और ई कॉमर्स के अंदर बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है, इसमें आप वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, प्रोडक्ट हंटिंग एक अलग से एक टॉपिक है, पूरा पूरा जॉब है प्रोडक्ट हंटिंग की, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, फिर इसके अलावा और PPC कैंपेन्स वगैरह चलाना, PPC मैनेजर होता है, तो ये सारी अलग अलग जॉब्स हैं वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर। तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को एक्सपर्टीज़ बनाएं उस उन मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, आपको एक दो फील्ड अपनी रखें जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हासिल है और आप प्रॉपर काम कर सकते हैं उसके अंदर। सर आपकी एक्सपर्टीज़ किन एक दो फील्ड्स में है? मैं सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक के ऊपर ज़्यादा चीज़ें देख रहा हूँ चीज़ें, और मैं उन्हीं पे ज़्यादा मेरा फोकस है सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक के हवाले से, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे मैंने ज़्यादा काम किया सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक के हवाले से, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक एक गैप है वर्चुअल असिस्टेंट के उसके अंदर। अच्छा लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें तो आमतौर पर तो लॉजिस्टिक में यही होता है कि आपने वो चीज़ें अपलोड कहाँ करनी है, उसको डाउनलोड कहाँ पे करना है, मतलब शिफ्ट कैसे करना है, वेयर हाउस से आउटलेट्स तक कैसे पहुँचाना है, ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक में आ जाती हैं, तो ई कॉमर्स में लॉजिस्टिक का क्या रोल है? ई कॉमर्स में लॉजिस्टिक होता है कि आपको पता होना चाहिए, आपकी प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए उसके अंदर कि आप कहाँ से प्रोडक्ट अपने किस फॉरवर्डर से आप काम कर रहे हैं, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर वन कंट्री अगर वन सिटी अगर चाइना की किसी सिटी से जब आपसे सोर्स कर रहे हैं तो आप वहीं से ही फॉरवर्डर किसी को हायर करें जो उसी सिटी में बेस हो, उससे आपके बहुत से डॉलर्स बच जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ DDP करते हैं और सिर्फ उनसे ही सप्लायर से ले लेते हैं फ्रेट फॉरवर्डर, अगर वो फ्रेट फॉरवर्डर किसी और सिटी में है तो वो वहाँ से लेकर दूसरी सिटी में ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट आपसे लेगा, एक्स्ट्रा पैसे लेता है वो आपसे। तो आपकी इसमें प्रॉपर प्लानिंग होती है कि आप किस तरह एक प्लान के ज़रिए से आप अपने यहाँ से भी वैसल जो आपसे नियरेस्ट पोर्ट है आपने वैसल भी वहीं से लोड करना है, और फिर UK या US के अंदर जहाँ भी आप कंट्री में भेज रहे हैं वहाँ पर भी जिस पोर्ट पे आपका वैसल जा रहा है वहाँ से नियरेस्ट आपका 3PL होना चाहिए ताकि आपके वहाँ से भी लॉजिस्टिक के पैसे बचें और आपके फ्रेट्स वगैरह में पैसे इसमें इस तरह बहुत ज़्यादा लोग एक्स्ट्रा इस यूज़ कर लेते हैं। तो ये चीज़ होती है कि आप इसमें आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर सकते हैं, आप अपने हज़ारों डॉलर बचा सकते हैं। सर इनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? इनेबलर्स का एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव था, और हमारे जो सर साकिब अज़हर हैं शुरू से ही उनकी प्लानिंग इस तरह थी कि हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती थी शुरू में, सपोर्ट हमें मिलता रहता था क्लासेस के दौरान भी, हम कहीं भी अगर हमें क्लाइंट के लिए कोई काम कर रहे हैं या हमें कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो हमेशा से ही हमें फ़ौरन ही हमें रिस्पॉन्स मिलता था चीज़ों के अंदर, और हमें फ़ौरन ही रिस्पॉन्स देके वो लोग हमारी क्यूरीज़ को हल कर लेते थे। सर एनेबलर्स के साथ जो लोग मुंसलिक होते हैं या ई कॉमर्स के ज़रिए पैसे कमाना चाहते हैं, मुझे ये बताएं कि वो अपने शॉर्ट टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और फिर लॉन्ग टर्म जो उनके गोल्स हैं उनको किस तरह प्लान करें? देखिए इसमें ज़रूरी है कि डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस काम के अंदर, कि आपकी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। हम हर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फर्स्ट मंथ से अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। मैंने अपनी फर्स्ट 3 मंथ्स में फ्री इंटर्नशिप दी थी लोगों को, और मैं डबल जॉब कर रहा था, मैं एक जॉब के साथ मैंने इंटर्नशिप करी थी, तो मेरे लिए टफ था कि मैं सिर्फ 3 से 4 घंटे सोता था। इसमें ज़रूरी है कि आप अपने शॉर्ट टर्म्स लॉन्ग टर्म गोल्स की बजाय अपने शॉर्ट टर्म्स गोल को अपने प्रेफर रखें, अपने उसको प्रेफरेंस दें
और शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करें, कोशिश करेंगे उनको अचीव करें, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म गोल्स आपके अचीव होंगे आपको उससे मोटिवेशन मिलती है और वो आपको इजीली लॉन्ग टर्म गोल की तरफ लेके चलते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स आपके होना ज़रूरी है और उनको आप हासिल करते रहें ताकि वो आपकी मोटिवेशन का बायस बने। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने EVS 3.0 भी लॉन्च की, वो अपडेटेड वर्जन में लोगों की हेल्प करते हैं और इसमें मज़ीद वो कोशिश करते रहते हैं हर वक्त कि किस तरह और ज़्यादा हेल्प की जा सके, और ज़्यादा लोगों को इनेबल किया जा सके। वो चाहे फिर हमारी मार्केटिंग हो, एडवर्टाइजिंग हो, हर तरीके से वो लोगों को, बुनियादी तौर पर उनका मकसद यही है कि लोग ई कॉमर्स के साथ अटैच हों और स्किल सेट को सीख के अर्निंग स्टार्ट करें। आप उनके काम को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा विज़न है और इंशाल्लाह हम सब इस टीम का पार्ट हैं, तो हम भी उसी विज़न को लेकर आगे बढ़ लें और हम भी कोशिश यही करें कि हम जितने ज़्यादा लोगों को इनेबल कर सकें, हम अपनी ज़ात से या और दूसरी चीज़ों से हम अपना लोगों को इनेबल कर रहे हैं और इनेबल करके हम लोगों को, ताकि हर बंदा, जिस तरह मैंने रिस्क लिया अपनी लाइफ के अंदर, और लोग भी उनको मोटिवेट करता रहता हूँ कि आप अपने आप में रिस्क ले सकते हो और अपने आप को, चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को भी और इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी जॉब में सेटिस्फेक्शन ला सकते हो, वो जो बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मेहदी साहब आपकी तशरीफ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनके काम के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप ई कॉमर्स को सीखें, EVS को देखें और यहाँ से अर्निंग स्टार्ट करने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।